गरीब युवाओं और बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ और विरोध करने पर उनकी पिटाई सर्वथा अनुचित है। सरकार की गलत नीतियों के कारण गरीबी और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। सरकारी नौकरी और उनमें आरक्षण की सुविधा गौण हो गई है। ऐसे में वर्षों से छोटी सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा भी सही से न होना अन्यायपूर्ण। ये ट्वीट भी आप इस वक्त देख रहे हैं जो बीएसपी अध्यक्ष मायावती की तरफ से किया गया। छात्रों के आंदोलन को लेकर वो कह रही है कि ये सीधे सीधे सरकार की विफलताओं का ही नतीजा है। सरकार को घेरने के लिए बारी बारी से पहले कांग्रेस, फिर मायावती, अखिलेश यादव सब मैदान में कूद पड़े हैं ताकि सरकार की घेराबंदी की जा सके और आने वाले चुनाव में उसका लाभ भी लिया जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।